इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मिंबर पर मेयार ये रखो, ना टोपी मेयार है ना अमामा मेयार है। बाज लोगों को फकत अमामे से बैर है और बाज लोगों को टोपी से बैर है। बाज लोग कहते हैं कि जनाब अमामे वाले ने कहा है तो चूंकि उनके पसंद के मौलवी ने कह दिया है तो कहीं ना कहीं से कोई तावील लानी है कि ठीक ही कहा होगा। अब चाहे मेंबर पे गाली का लफ्ज भी कह दे, नहीं हो सकता ऐसा। ताजीम अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये मेंबर वो मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिलके सलावत भेजेगा नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। इसलिए हम कभी कभार एक नजरिया जो बना के बैठे हुए ना, उसके मुताबिक जो मेरी पसंद का मौलवी है वो चाहे कुछ भी कर दे मेंबर से, मैंने आके दिफा करना है। और जो मेरी पसंद का नहीं है उसको मैंने छोड़ना नहीं, किसी ना किसी तरीके से जलील करना है उसे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए से। बात समझ आ रही है? देखो अब मैं कह रहा हूं, मौलवी जाकिरों के वफादार ना बनो, इमाम हुसैन के वफादार बनो। इमाम हुसैन के वफादार बनो। ताजीम है अब अब्दुल्ला हुसैन, ताजीम अहले बैत अलैहिस्सलाम। कौन सा लफ्ज़ कहां से इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सा लफ्ज़ नहीं होना चाहिए इस्तेमाल। बात समझ आ रही है? तो अजीजों बात को मैं समेट रहा हूं, ये जो ताजीम का मकाम है ना, ये फर्श अज़ा पर भी है, ये मेंबर पर भी, और ये हर एक पर वाजिब है, चाहे जाकिर हो, आलिम हो, कोई अमामे वाला हो, गैर अमामे वाला हो, सब पर वाजिब है। बात समझ आ रही है? अजीजों इमाम हुसैन वो हैं कि जिन तक कोई पहुंचे तो मर्जी परवरदिगार को हासिल करेगा।